जी, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपने प्रोफेशनल बनना है या नहीं बनना। जब आप देखेंगे आप में स्किल्स हैं पबजी में प्रोफेशनल बनने की, तभी आप बने। ऐसा टाइम पास भी मैं खुद खेलता हूँ, पबजी प्लेयर हूँ, मैं खुद एक पबजी प्लेयर हूँ, मैं टाइम पास खेलता हूँ। मैं घर के काम करता हूँ, स्टडीज़ करता हूँ, उसके बाद जब टाइम मिलता है एक दो घंटा दोस्तों के साथ गपशप के लिए खेल लेता हूँ। अब आपको प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, खेलना भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास डिवाइस भी अच्छी हो, आपके पास नेट का भी कोई इशू, आपको पता है पाकिस्तान में नेट का काफ़ी इशू होता है बिल्कुल। तो आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको सबसे पहले एक टिकटॉक, आपको पता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप वीडियोस डाल सकते हैं डेली के टाइम पर। उसके बाद आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। मेहनत के स्ट्रगल, हर काम में स्ट्रगल चाहिए होता है इंसान को, स्ट्रगल करेंगे फिर आप प्रोफेशनल। फिर आप टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं पाकिस्तान में, आप टूर्नामेंट्स खेलें, जैसे आप देख लेना स्टार एनोनिमस को देखें, एक देहाती लड़का है, 1 मिलियन उनके फॉलोवर हो गए, कैसे स्ट्रगल किया ना उसने, यूट्यूब से स्टार्ट किया रहा था उसने, आज वो यूट्यूबर बना हुआ है पाकिस्तान का। तो इस लिहाज से इसमें जो टूर्नामेंट होते हैं तो कैसे जो पबजी प्लेयर हैं एक दूसरे से रबते कहाँ करते हैं, और ये टूर्नामेंट जो कराते हैं टूर्नामेंट कैसे कराते हैं, इसमें टीमों का क्या हिसाब किताब है और मेंबर्स कितने होते हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि आप तो पबजी जो खेलते हैं तो आपको टूर्नामेंट आपको FB पेज पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर है जो डेली टूर्नामेंट करा, डकी बाई को देख लें, वो भी अक्सर यूट्यूब क्या नाम है वो करवा रहे होते हैं टूर्नामेंट। स्टार एनोनिमस को देख लो, कस्टम रूम बना रहे होते हैं, उस पर फिर विनर को UC वगैरह जो होते हैं वो भी मिलते हैं, फिर वो क्या नाम है वायरल भी करते हैं आपकी वीडियोस, आपके अकाउंट को वायरल भी करते हैं, प्लस UC भी आपको मिलती है, अच्छी खासी UC मिलती है। तो ये होता है कि एक पबजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे पहले तो आप चार स्क्वाड में चार बंदे होते हैं, स्क्वाड में जब चार बंदे होते हैं आपका पूरा स्क्वाड खेलता है एक टाइम पर। उसमें डू भी होता है, डू में दो बंदे होते हैं, सोलो में एक बंदा होता है। तो जो इनाम प्राइज होता है इसका, जो विनर का जो प्राइज होता है उसमें आपको UC वगैरह मिलती है, 800 UC के, 1000, 600 UC का जो रॉयल पास है वो भी मिलता है आपको, मुख्तलिफ इनामात होते हैं। जी जी, UC जो होते हैं ना, जैसे आप एक चीज़ ले लेना आप उसको क्या नाम है अच्छा तरीके से, यानी कि इसमें रॉयल पास होता है, रॉयल पास में आपको कपड़े वगैरह मिलते हैं, स्किन्स वगैरह मिलती है, बंदूक की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो मिलती हैं। तो आप फर्स्ट आते तो आपको UC वगैरह मिलती हैं, इनाम मिलते हैं, तो सेकंड आने पर भी, थर्ड आने पर भी, इसमें 100 बंदे होते हैं एरिया में, वो फिर आपस में लड़ते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो आखिर में चार दो तीन जितने भी स्क्वाड बच जाते हैं, फिर वो आखिरी लास्ट जोन में वो मिलते हैं, लास्ट जोन में वो फाइट करते हैं, जो एक बंदा भी बच जाए स्क्वाड का वो विन कर जाता है, तो फिर वो विनर होता है। जो सेकेंड आता है वो सेकेंड हो जाता है, थर्ड आता है थर्ड, जो फर्स्ट आता है उसको ज़्यादा UC कम, सेकेंड वाले कम और थर्ड वाले को उससे कम UC मिलती है। पबजी से नौजवान पैसे कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको FB पेज बनाना पड़ेगा, YouTube पेज बनाना पड़ेगा, YouTube या फिर TikTok बनाना पड़ेगा, उस पर आपके आप अच्छी स्किल्स, अच्छे क्या नाम है, अच्छे वो करोगे, गेम प्ले करोगे, आवाम आपको देखेगी, मुतवज्जो होगी आपकी तरफ, मुतवज्जो होगी आपकी तरफ, तो फिर आपके व्यूवर्स बन जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, ठीक है, आपके फॉलोवर्स बन जाएंगे, वो फिर आप बन जाएंगे। फिर उसमें आप ऐसा होगा ना कि आप UC भी बाय कर सकते हो, UC जैसे टूर्नामेंट छोटे मोटे करवा सकते हो आप, उसके बाद अकाउंट भी सेल करवा सकते हो आप अपना, एक दो से ले लिया अकाउंट बना लिया, अच्छा हाँ जी बिल्कुल, आपने अच्छा सीज़न पे परफॉर्म दिया, फिर आप यूट्यूब पे दे दोगे एक पेज वगैरह कि यार इस तरह एक बाय हो रहा है अकाउंट इतने इतने पैसों का, तो आप बाय कर सकते हो, ये तरीका है। लाइव स्ट्रीम वगैरह, लाइव स्ट्रीम भी टूर्नामेंट होता है, लाइव स्ट्रीम भी होता है सर, बिल्कुल ऑनलाइन होता है ये, इसमें कोई वो वाला सीन नहीं है, लाइव स्ट्रीम होती है बिल्कुल, आप देख लें यूट्यूब में बहुत सारे पाकिस्तानी आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे पबजी में। इंडिया में पबजी बैंड हो चुका है, पाकिस्तान में जो है ना अनबैन हो चुका है, तो क्या लगता है पाकिस्तान में चांसेस है दोबारा बैंड होने के? लेकिन अब तो नहीं लगता, वगार जगह हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, अब ने अनबैन करवा देंगे फिर, उम्मीद है। इंडिया ने जो बैंड किया है पबजी, वो कह रहे कि हम अपना फौजी गेम स्टार्ट करेंगे, तो फौजी के बारे में सुना है आपने, क्या लगता है आपको फौजी पबजी के टक्कर को? नहीं नहीं, ऐसा तो प्री फायर को भी देख लेना, प्री फायर के कहाँ फॉलोअर्स और पबजी के कहाँ, प्री फायर बहुत बोलते थे पबजी वगैरह, लेकिन पबजी इस टाइम वर्ल्ड की नंबर वन गेम चल रही है और पैसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। प्री फायर को देख ले, जब प्री फायर नहीं जीत पाया तो इंडिया का फौजी गेम क्या जीत पाएगा? जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे इंडियन भाइयों को, हौसला ना आ रहे हैं, पाकिस्तान में हुआ था लेकिन वकार जगह अगर वहाँ हुआ वकार जगह पार्ट टू, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा अनबैन। जी जी बिल्कुल, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप किराए पर लेके जा सकते हैं वकार जगह को, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन इमरान खान भी नहीं कर रहा था लेकिन हो गया वकार जका जिंदाबाद। आप ऐसा करें ना, आप हमारे टिकटॉक का एक चैनल है, दो तीन चैनल है, एक है डॉट ब्रुजल के नाम से और एक है डॉट हीरो के नाम से, और मेरा खुद का जो चैनल है डॉट विलन के नाम से, आप आए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी करना है आपको, अच्छी अच्छी वहाँ पर मैच देखने को मिलेंगे, प्ले करने को मिलेंगे, हम टूर्नामेंट्स भी छोटे मोटे करवाते हैं।